कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता गोपाल तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के पुणे कार्यकारिणी के कामों पर जमकर टीका की, कहा पुणे की जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दे। आज पुणे की सबसे बर्निंग प्रॉब्लम जो है, पुणे में आधा एक घंटा भी अगर बाढ़ आती है तो तुरंत रास्ते चौकअप हो जाता है, का मतलब घुटना भर पानी और कमर तक पानी आता है और काफ़ी नागरिकों का नुकसान हो रहा है, कई बार जीवित हानि हो रही है। एक घंटे दो घंटे के बारिश में पुणे की हालत ऐसी तैसी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रधान मोदी ने 4 साल पहले ये अपने स्मार्ट सिटी का गाजे बाजे के साथ इनॉग्रेशन किया, करोड़ों रुपए खर्च करके बहुत बड़ा इनॉग्रेशन किया है, वो स्मार्ट सिटी तो छोड़ो, ऑर्डिनरी सिटी की हालत भी इससे अच्छी है, इतनी बदतर हालत हो गई है पुणे में। पुणे में एक सेंट्रल मिनिस्टर, 2 सांसद, 8 आमदार और 100 नगर सेवक रहने के बावजूद, पार्षद रहने के बावजूद, ये लोग स्टॉर्म ड्रेन वाटर जो है वो भी साफ नहीं कर पाए 5 साल में। आज थोड़ा भी बारिश आती है तो पूरा चौकअप हो जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत पहुंच रही है। और इस परिस्थिति में सही में देखा जाए तो कल आधे घंटे की बारिश हुई है, 3-3, 4-4 घंटे लोग रात में अपने घर पहुंचने में उनको देर हो रही है। पुणे में मुठा नदी जैसे एक नदी बह रही है, उसमें ड्रेनेज लाइन के पाइपलाइन डाल रहे हैं। मैं कहता हूँ इतनी सीधी बात है कि अगर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज अगर वो नदी में भी छोड़ते तो वो हार्मफुल नहीं है, तो इतनी भी वो कम काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए वॉर पुटिंग के ऊपर ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज समय आया है कि पुणे वासियों ने इनका जो भी हिसाब किताब है, जो भी उनकी अकाउंटेबिलिटी है, जो अपने जिम्मेदारी प्रति गंभीरता रूप से पेश नहीं आ रहे, उनको घर बिठाने की समय आ गया। और इसलिए भाजपा को जो भी इन्होंने काम किया, इतने सत्ता होने के बावजूद ये असफल रहे, अभी पुणेवासी इनका निर्णय करे, यही हमारे इस पत्रकार परिषद में मांग थी। खबरों में आगे बढ़ते, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, सत्ता के लिए तमाम पार्टी